बस वो स्केच बना रहे जो अंदर फिनिश है जावा जी जी, तो उसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, इसकी कॉलोनी बना रहे उनके लिए। ये स्टिक इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि ये होती है ब्रीडिंग स्टिक, बर्ड्स की ब्रीडिंग स्टिक, उनके घर के पास लगी होनी चाहिए। ओए 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 कीड़ियों का घर का क्या बना? अस्सलाम वालेकुम, मैं वलीम और आप देख रहे हैं बर्ड ग्लिक्स ऑफिशियल। वेलकम टू न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि हमने एक और केज की बुनियाद रख दी है, और वो केज किस लिए ये मुझे भी नहीं पता, जाके पूछते हैं मेहरान साहब से, क्योंकि मैं आया नहीं था एक दो दिन। और मेहरान ने जी खूब काम करके सारा स्ट्रक्चर बना लिया है, मेहरान ने, शहजाद ने, और जाके देखते हैं कि यार इन्होंने किया क्यों है और ये किस लिए बना रहे हैं, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं था। ऊपर आया तो मैंने आके देखा कि यार इन्होंने केज कोई बनाना स्टार्ट किया हुआ है, तो चलते हैं पहले सबसे पहले इनकी तरफ, उसके बाद मैं आपको बाकी की चीज़ें दिखाता हूँ। और सारी चीज़ें इन्होंने खोल के रख दी हैं जी, और जो चीज़ें मुझे दी फैला दी हैं, और एक न्यू केज बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जाके पूछते हैं कि कर क्या रहे हैं। मेहरान साहब, ये क्या हो रहा है? ये बस वो केज बना रहे जो अंदर फिनिश है जावा जी जी, तो उसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, इसकी कॉलोनी बना रहे उनके लिए। तो अंदर केज में सही नहीं थी वो? नहीं यार, उसमें मसला है कि मेल फीमेल का पता नहीं चल रहा, और वो जो है तो हम इस तरह खुला छोड़ देंगे, लेकिन वो बड़े केज में भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है ना, तो उसमें सही ब्रीड नहीं करते। तो ये एक छोटी जगह तो इनकी कॉलोनी बन जाएगी, तो खुद ही मेल फीमेल जो है वो पैर हो जाएंगे। सही है, अब यहाँ का काम शाम तो शुरू हुआ। हमने कल स्टार्ट किया था। हाँ, कल तो मैं आया नहीं था ना। कल ये है कि लास्ट टाइम पे जो है हम कंप्लीट कर रहे थे, लेकिन जो जाली वगैरह थी तो शाम के टाइम पे दुकानें बंद हो गई, सही तो है। उसके लिए भी हमें सुबह का अलर्ट करना पड़ा, तो अभी हम जाली वगैरह तो ले आए, तो ये करके फिर वो भी लगा के। ठीक है। अच्छा, तो व्यूअर्स देख लिया आपने, जैसा कि एक न्यू केज बनना शुरू हो चुका है, और ज़ाहिर बात है ये अब कल तक शायद आज मुकम्मल हो जाए या कल मुकम्मल हो जाएगा। तो देखते हैं इसके अंदर फिर हम अपनी फिंचेस वगैरह रखते हैं, क्योंकि फिंचेस अंदर जो है वो ब्रीड सही से नहीं कर रही हैं। ब्रीड तो क्या है, क्योंकि हमने जो जहाँ पर रखी हैं तो हमें तो मेल फीमेल का इतना कन्फर्मेशन नहीं है, अपने हिसाब से रखी हुई थी। तो मेल फीमेल अब कैसी हैं क्या नहीं है ये हमें कोई आइडिया नहीं है, DNA कराना पड़ जाना है, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि हम इसके DNA के सैंपल लें और फिर DNA के नहीं भेजें। तो हमने क्या किया कि हम अब उनकी ने जो है कॉलोनी सी बना रहे हैं, और इसके अंदर जो है कॉलोनी में छोड़ देंगे ताकि ये अपनी मर्ज़ी से जिस तरह ब्रीड कर सकते हैं करें। और मैंने जो पालक लगाई थी माशाल्लाह से वो बहुत बड़ी होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये देखिए जी, ये पालक लगाई थी और कितनी बड़ी बड़ी हो गई है ये, एक आध हफ्ते में जो है मेरे ख्याल से ये पूरी की पूरी जो है वो निकल आएगी। ये बोरियाँ रखी हुई हैं ना, इन बोरियों में मेरे ख्याल से या तो आलू वगैरह लगेंगे और या कोई और सब्ज़ी लगेगी। इसके अंदर भी मिट्टी है, और यहाँ पर भी हमने कुछ जगह बनाई हुई है, तो यहाँ पर भी ये जो है हम सब्ज़ी वगैरह लगाएंगे कुछ, क्योंकि अभी तक ऊपर कोई आया नहीं था। मैं आया हूँ तो मैं ही अंदर जा रहा हूँ पहले। और हम अंदर आ गए, मेहरान ने यहाँ की सफ़ाई कर ली थी डिटेल में, क्योंकि देखिए गंद वगैरह साफ़ है, पर पानी वगैरह की सफ़ाई नहीं हुई भी, 3-4 दिन हो गए, वो भी आज कर लेंगे। और ये बैठी हुई बटेरे, आपको नज़र आ रहा होगा जैसे, और बाकी के एक वो अंदर बैठी हुई है, ये देखें एक वो बैठी हुई है, एक ये बैठी हुई है बाहर, और एक ये देखें। मैं सोच रहा हूँ कि वो हमारे पास एक इंक्यूबेटर पड़ा था बड़ा वाला, उसको टिक करा के ना सारे अंडे जो है उसके अंदर सेट कर देते हैं, तो पता चल जाएगा कि यार ये अंडे ठीक हैं, फर्टाइल हैं, नहीं हैं, क्या रीज़न है। तो हमें यहाँ पर भी काफ़ी तादाद में रखे हुए हैं, ये मेहरान ने यहाँ पहले से रखे हुए हैं कि यार ये यहाँ पर रख दो, ताकि हम, मैं कहता हूँ इसको भी ऊपर उठा के ऊपर ही रख देता हूँ, कर देते हैं ये यहाँ पे। ये आज हमारा बजीज का जो केज है ना, इसको हमने आज बजीज से भर देना है, क्योंकि हम जा रहे हैं 4-5 बजे तक जाके ना कुछ बजीज लेकर आएंगे और वो ला के इसमें छोड़ेंगे इंशाल्लाह। तो पहले तो मैं इसके अंदर स्टिक्स लगाता हूँ, सब में स्टिक्स लगाना रह गई है, क्योंकि ये स्टिक्स लटकी हुई हैं। ये स्टिक इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि ये होती है ब्रीडिंग स्टिक, बर्ड्स की ब्रीडिंग स्टिक, उनके घर के पास लगी होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि बर्ड जो होता है जब भी ब्रीड करेगा, मेटिंग करेगा, वो अपने घर के पास ही बैठ के करेगा, और वो मेटिंग जो होगी वो अपने घर के ऊपर मोस्टली करते हैं। मतलब अगर यहाँ पर स्टिक लगी होगी तो यहाँ पर बैठ के ही मेटिंग करेंगे और इसके अंदर जाके फिर एग्स देंगे।
तो इसी तरह डिफरेंट घर के जो ऊपर जो है ना स्टिक लगाना रहती है, तो ये पहले मैं स्टिक लगाता हूँ और उसके बाद इसको भी सेट करते हैं। ये हमने अंदर रखी हुई है डिज़ाइन की, नहीं कि यार सर कुछ सेट करें, तो उसको भी सेट करेंगे अंदर, कोई झूला टाइप बना देंगे, कुछ बना देंगे। तो अब पहले बता तो मैं मेहरान की तरफ कि वो क्या कर रहा है और केज का क्या सूरत आ रहा है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। और ये मेहरान साहब केज बनाने में बिजी हैं, कर क्या रहा है देखते हैं ज़रा, ये क्या हो रहा है यार? पाइप भी है ना इधर के ऊपर जो करना रहे पाइप आता है ना, तो इस केज में भी हमने अंदर वो बंद किया था, वो इधर भी पाइप लगा रहे थे, तो ये मैं जगह खाली करूँ, बच्चे को खाली हो गया। तो ये पीछे ईंटें भी तो हैं यार, ये भी रखा, ये भी उधर कर ले। ओए 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 ओए, ये तो तेरे दोस्त ने कर लाया है। नहीं ओए 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 यार, ये तो सारे इस चीज़ों से भरे हुए। और मेहरान ने जो है कीड़ों से दीवार पे डिजाइन बना दी। मेहरान ये क्या पैटर्न है यार? यार ये देख ना, मैंने जिंगल भी पढ़ ली है। यार इसकी भी ब्रीडिंग करा रहे हो? इसकी भी करा रहे ये कितने? अच्छा ये देख अभी। ओए 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 ये भी चिड़िया आएंगी ना, इनकी खा लेंगी, थोड़ा पीछे हटो ना, चिड़िया आ जाएंगी इनको खाने के लिए। नहीं चिड़िया नहीं आती यार, अभी आई हुई थी, अभी आई हुई थी थोड़ी देर पहले ना, तो डरती है। छोड़ यार, ये तो बहुत सारे हैं, ये तो जितना नीचे जा रहे होते हैं और ज्यादा निकल रहे हैं, नीचे जाते हैं उतनी इसकी क्वांटिटी ज्यादा होती जाएगी। ये देख कीड़ियों का घर का क्या पता, कीड़ियों का घर तो उड़ गया है। अब हम क्या करें यार, जगह जगह नहीं देखते, बस आके अपने ठिकाना बना दे। चलो थोड़ा पीछे की चिड़िया आके खा लें इन्हें। एक मिनट में तो इंटे इधर करूँ ना, क्योंकि वो उसकी वो जो मलका है वो मुझ पर बार बार अटैक कर रही है। तो मार दो, मारना बुरी बात है। ऊपर देख, ऊपर देख। और काम जो है वो शुरू हुआ है, अभी भी हो रहा है काम। पाइप लगा दी है इन लोगों ने, अब उसी का मेरे ख्याल से मिट्टी डालेंगे। पाइप यहाँ पे इन्होंने लगाया है और शिदाज साहब लगे हुए ऊपर छत बनाने के अंदर। नेहरान साहब गुड़ियार पाइप तो सही लगा दिया तुम लोगों ने, मुझे उम्मीद तो नहीं थी। और ये छत जो है हमारी, उसकी नई लकड़ियाँ हमने लगा दी हैं और अब इसके ऊपर जाली लगाएंगे या कोई शीट लगाएंगे, जैसे हमने वहाँ अपने बजी से केज के ऊपर लगाया था, तो ये लकड़ियाँ लगा दी हमने इसके ऊपर। पानी इस केज के अंदर आ जाएगा। मेहरान साहब जो है वो जहाँ पे पाइप लगाया था वहाँ पे अब उसके अंदर पत्थर वगैरह डाल रहे, ताकि इस जगह को हम पूरा कवर कर दें। और अच्छा, ये एक तरह से ना थोड़ी सी मिट्टी की वो बन जाएगी, स्टेप सा बन जाएगा। और मेहरान साहब जो है वो जाली लगाने लगे। मेहरान साहब आप लगा रहे हैं जाली? लगाना चाहते, मुझे पता है, ये मुझे तुम्हारे साथ मिलकर ही लगानी पड़ेगी। तो नाज़रीन अब हम जाली लगाते हैं और फिर आपको लगा के दिखाते हैं कि यार जाली कंप्लीट होने के बाद ही दिखाएंगे, क्योंकि हम दो बंदे और या तो हम वीडियो बना लें या हम जाली लगा लें। तो पहले जाली लगाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। अच्छा तो व्यूअर्स, काम हो चुका है ऑलमोस्ट और आज की वीडियो हम यहाँ पे एंड करते हैं, क्योंकि एक साइड की हमने जाली कंप्लीट लगा ली, अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो तो, और दूसरी साइड की रहेगी ये फ्रंट की ना, तो इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह कल तक मुकम्मल हो जाएगी और कल हमारा केस फाइनल हो जाएगा। उसकी छत रहेगी, ये छत भी इंशाल्लाह कल मुकम्मल करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।